कहाँ से आ रहे हैं आप? जी महाराष्ट्र अहमदनगर से। यहाँ का पता कैसे मिला आपको? वीडियो ये 5 साल से हम यूट्यूब पे देख रहे हैं, देख रहे हैं 5 साल से, 5 साल से आज आने को हुआ है। आ जाने को क्या दिक्कत होती है इनको? है। इनको क्या ऐसे मेंटल ऐसा करती थी, अच्छा, उसको बम्बई में एडमिट किया, बहुत सारा ट्रीटमेंट किया, कुछ डॉक्टर वॉक्टर क्या बोले? वही डिप्रेशन बस डिप्रेशन। डिप्रेशन बोल रहे थे। हाँ किस चीज का डिप्रेशन बोल रहे थे? ये ऐसा ही बस ऐसे ही है। बस और इतना। कहीं भी किसी को दिखाए हैं तीन ऊपरी के चार, लिए? हाँ तीन चार बाबाओं को दिखाया तो क्या तुरंत वो तावीज वीज दिया उन्होंने, ऐसा अच्छा, ये तावीज है, हाँ, ये कंगन है। कुछ दिन अच्छा रहता है, कुछ दिन ऐसा भक्ति वक्ती वाला है, है। हाजिर के लिए बैठाते हैं, 50-50% चांस रहता है, हो भी सकता नहीं भी सकता, अभी हाजिर हो गया, बातचीत करते। क्या नाम है तुम्हारा? कैसे मर गए थे तुम? फांसी लगा लिए थे? क्यों फांसी लगा लिए थे? ऐसे ही नहीं शादी हो गया था तुम्हारा? कुआरे थे? कहाँ के रहने वाले थे? ये लातूर। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। हाँ इसको पकड़े, इसको कहाँ से पकड़ लिए? पकड़े हो कि कोई पकड़वाया है? पकड़े कहाँ से पकड़ लिए? तो शुरू से, मतलब वहां पे कैसे जा रही थी या फिर कैसे पकड़े हो? वो उस घर में रहती थी। घर में ही रहते थे तुम भी? हाँ वहीं फांसी लगाए थे? हाँ तुम्हारे भाई बहन कितने थे वहां पे? वो दो भाई। भी जिंदा है? हाँ क्या काम करते थे तुम? कंपनी कंपनी में में क्या काम करते? कौन सी कंपनी थी? पता नहीं, पतंजलि? पता नहीं। नहीं पता है? तो काम तुम कर रहे थे, तुम्हें पता नहीं कि किस कंपनी में काम कर रहे थे? कितने साल पहले मरे हो? 12 साल 12 साल पहले। और इसको ऊपर कब से हो? 8वीं से। 8 साल से। हाँ क्या दिक्कत दे रहे हो इसको? पागल। तुम ही पागल करते हो? हाँ और ये डॉक्टरों को कितना खर्चा करवा दिए इन लोग का? बहुत। बहुत खर्चा करवा दिए। यही है? और कुछ पूछना है आपको? बात करिए आप। क्या क्या दिक्कत दिया घर में? किसको क्या दिया? घरात कोणाला त्रास दिलाय तू? सगळ्यांना दिलाय। काय त्रास ऐसे नहीं, दिलाय? ऐसे नहीं, बस खाली मुंह से हाँ आप बोलिए। काय काय त्रास दिला? सगळ्यांना दिलाय। भावाला काय दिला तुझ्या? त्याचे पैसे जाणे, बहीण मोठ्या बहिणीचा काय प्रॉब्लेम? तिचं लग्न मोडलं। तू केलं काय सर्व? हाँ का केलंस? असच। तुझ्या गावी इसके घर में किसी को मारे भी हो तुम? नहीं। इसको मारने की कोशिश की हो जिसके ऊपर हो? हाँ कितनी बार? बहुत बार कैसे मारने की कोशिश कर रहे थे? दवा खा के, जहर की? जहर खा के? डिप्रेशन नहीं डिप्रेशन की गोली। की गोली खिला खिला के मारना चाह रहे हो? हाँ और इनके घर में भी किसी को दिक्कत दी हो? सबको देते। सबको तुम ही देते हो? क्या हाँ करते हो? झगड़ा लगाते उनमें। लड़ाई लगवाते हो? होता हाँ है ऐसा? लड़ाई लगवाता है? होता है और कुछ नहीं। बस इसको करके कौन खिलाया है? बच्चे कितने हैं उसके? लड़का चार, कितना है उसमें? एक। एक लड़का, 3 लड़की। उसका हाँ आदमी क्या करता है? कुछ भी नहीं। हाँ कुछ नहीं करता, घर पे रहता है। तो घर कैसे चलता है उनका? बेटा नौकरी नौकरी में। अच्छा, बेटा नौकरी, बेटा कमा के देता है। तो वो करती है या करवाई है? करवाइए। किससे करवाई है? कितना पता नहीं, पैसा दी थी करवाने में? 10-12 हजार। 10-12 हजार। कितने साल पहले करवाई है? ये 16 साल की थी तब। जब ये 16 साल की थी तब? किस चीज में करके खिलाया है इसको? चना। चेक हुआ है ना वो? टोकन दीजिएगा पीछे वाला। चना है। चना है? सुबह चेक हुआ है वो भी बताया है, चना है, दिखा दीजिए। तो ये घर पे उनके गई थी या फिर वो किसी से भिजवाई थी? उसने उसको बुलाया हमारे घर। अच्छा, उसने इसको अपने घर बुलाया और चने में करके खिला दिया। क्या दुश्मनी है उसकी इससे? कुछ नहीं है, पढ़ाई में बहुत तेज है। अच्छा, पढ़ाई में बहुत तेज है, तो इसी के जलन के मारे हाँ कि आगे ना बढ़ पाए? आगे ना पढ़ पाए। बस यही कहानी है। पूछिए, और कुछ पूछना है आपको? कुछ पढ़े लिखे थे तुम हाँ मयूर? कुछ पढ़े लिखे थे? साइन हाँ वाइन कर लेते हो? हाँ इंग्लिश में करते हो कि महाराष्ट्र में करते हो? इंग्लिश में। इंग्लिश में करते हो? पट्टी खोलिए, लो इधर अपनी साइन करो, जैसे तुम करते थे जब जिंदा थे, जैसे लिखते थे वैसे लिखो।
इंग्लिश में भी लिखो, ये आपकी लड़की की राइटिंग है? नहीं नहीं है, देख लीजिए आप भी नहीं। ये अभी जो मर गया है फांसी लगा के, जो इनके ऊपर है वो अपनी साइन किया है, अभी लड़की से भी करवाएंगे। और भी किसी को किया है मयूर इनके घर में? सिर्फ इसी को किया है? ठीक है दीजिए इनका नींबू। आखिरी कोई इच्छा है तुम्हारी, मुक्ति चाहिए तुम्हें? जब जीवित थे तब अच्छा था या मरने के बाद अच्छा था? जब जीवित थे तब अच्छा था, मरने के बाद क्या होता है? क्या होता है? बस भटकते रहते हो इधर उधर। ठीक है इधर देखो, इधर देखो मयूर, इधर बाल दीजिए पीछे, थोड़ा आगे कर दीजिए। चलो भागो चिता पे तुरंत। कहां से आ रही हैं आप? अभी क्या हुआ तो कुछ याद है आपको? दिखता था आपको? कब से हो रहा है आपको दिख रहा है? सांप के रूप में दिखता था, कब से हो रहा है आपके साथ ऐसा? आठवीं में जब आप थी तब से। साइन करती हैं आप? किसमें करती हैं, हिंदी में इंग्लिश में किसमें करती हैं? हिंदी में नहीं करती हैं? यहाँ पे साइन करिए आप, दोनों करिए, इंग्लिश में भी करिए हिंदी में भी करिए। पूरा नाम लिखिए जैसे आप लिखती हैं। ये कौन लिखा है? आप नहीं लिखी हैं, लेकिन ये कैमरा देख रहा है कि आप ही लिखी हैं। आप नहीं लिखी, आपके ऊपर जो आया था मयूर फांसी लगा के मर गया था वो लिखा है, ये आपकी राइटिंग है नीचे वाली। फर्क है दोनों में? कैमरे को दिखा दीजिए। कितने फोन करके पूछते हैं ये चल रहा है वो चल रहा है, त्योहार चल रहा है, आज क्या है? ईद है, ईद है ना। कोई आए चाहे ना आए, हमारा सारा स्टाफ यहाँ ड्यूटी करके चले जाएंगे, कोई ना हो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो ईद बकरीद मुहर्रम कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो आंधी तूफान बारिश मुझे यहाँ आना है, जनता आए और चाहे ना आए। गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देता हूँ, कितने तो गारंटी वही पे मांगते हैं और उनको डिलीक्ट कर देता हूँ। जा भाई और सब पे हाजिर हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं। बहुत से बेवकूफ़ कहते हैं कि अरे हाजिर नहीं हुआ तो पता नहीं चला तो फ़ायदा क्या है, तो मैं उनको बोलता हूँ पैसा वापस लेके घर भाग जाओ, बड़े बाबा के यहाँ जाओ। मैं छोटा सा बाबा हूँ, जीरो छोटा सा बाबा हूँ, और किसी भी व्यक्ति को गारंटी देता नहीं हूँ। कितने तो हम आधा तो फ़ोन ही पे उनको डिलीक्ट मार देते हैं। मैं बहुत दूर हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ भैया आपके पास दो ऑप्शन हैं, वीडियो कॉलिंग से भी करा सकते हो और आके भी करा सकते हो। तो उस पर ये बोलते हैं वीडियो कॉलिंग से हो जाता है, तो मैं बोलता हूँ नहीं होगा, अब नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ हो जाएगा, मतलब गारंटी मांग रहे हो एक तरीके से ना हमसे। मैं बोलता हूँ नहीं होगा, अब तुम्हारे पास आखिरी ऑप्शन है बनारस आओ, समझ में आए तो, नहीं आए तो जाओ। गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देते, तो आधा तो दिन भर हम ऐसे ही ऑनलाइन वाले को उड़ा देते हैं। अरे गलती हो गया, यहाँ गलती नहीं होती है, यहाँ डिलीक्ट हो जाता है, अब नहीं होगा, यहाँ आओ या कहीं आओ, ऑनलाइन तो नहीं करेंगे। शक कर रहे हो ना, किस पे कर रहे हो? मालिक पे। हो जाता है हो जाएगा, दोनों पे मुझे आपत्ति है। वीडियो बनाने का बताने का जनता का मकसद है हमारा, ये गलती ना करें लोग। बाबा जी लिखा हुआ है ना उसमें, आप पढ़े होंगे, लोग बहुत कुछ दूसरे नाम से बुलाते हैं, मुझे उस पर आपत्ति है।
बाबा जी लिखा हुआ है, बाबा जी। अब फोन लगाएंगे बेकूफ लोग तो जल्दी फोन उठ गया तो आपको बोलना है ना हेलो कि हमें बोलना है। हाँ तो यही गलत है ना, हम तो यहाँ तक कहते हैं इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो इधर। मैंने अपने लड़के को बोला है कि अगर डेट वाले दिन यानी जिस दिन हम बैठते हैं उस दिन अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो हमारी लाश को एक साइड लगा देना, सारी जनता को देखने के बाद मुझे फिर ठिकाने लगाना। मेरी बात समझे? ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, इनका क्या होगा? दूर दूर से आ रहे हैं, आप पटना से आए हो, कोई विदेश से आया है, तो हम मेरे चक्कर में इनका काम मत रोको, मुझे साइड लगा दो, भूल जाओगी बाबा जी मर गए, पहले सारे जनता को देख लो उसके बाद मुझे ठिकाने लगा दो। सही है? मैं इसी वसीयत करके जाऊंगा कि अगर डेट वाले दिन मैं मरता हूं तो पहले जनता को देखो बाद में मुझे। सही है ना? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, पहले हमारी जनता सुखी होना चाहिए। सूरजपुर, सूरजपुर भटगांव, सूरजपुर से आया था और हम लोग वीडियो हाजिर करवाने से पहले बोल देते हैं वीडियो बनेगा नेट पे जरूर डालेंगे, अगर किसको नेट पे नहीं जाना चाहते हो तो डायरेक्ट भूतों को मरवा के यानी मुक्ति दिलवा के जा सकते हैं। तो लोग कहते हैं नहीं हाजिर हो जाए पता चलेगा कौन जादू टोना करने वाला है, तो नहीं टाइम जो भी कहते हैं आप लोग, तो हाजिर हो जाए, तो हाजिर हो जाता है नाम खुल जाता है तो लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तो अब मैं ये चाहता हूँ या तो वीडियो बनाना बंद कर दूं या तो फिर वीडियो बनाऊं तो जो कलाकार है उसका नाम को डीप कर दूं। तो क्या करना चाहिए, वीडियो बनाना बंद कर दें या डीप कर दें? नाम को डीप कर दें। अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो ये आप लोगों के समझ में नहीं आया, वीडियो ही देख के सारी जनता आई है। वीडियो बनाना जरूरी है, वीडियो बनाना जरूरी है, मगर वो कलाकार का नाम को डीप कर दें यानी आपस में लड़ाई ना हो, है ना। और हाजिर होता है तो वीडियो नेट पे डालते हैं, ये हम दो चार बार बोलते रहे थे, तो आप लोग सब वीडियो ही देख के यहाँ आए। जो भी आए डेट बाई डेट आए, सुबह 7 बजे आ जाओ, कोई बात नहीं, 8 बजे आ जाओ वो चलेगा। नंबर जितने आदमी आएंगे नंबर उसी दिन मिलेगा और देखेंगे सबको, ये नहीं कि नंबर नहीं आएगा, उसी दिन देखेंगे, उसी दिन छुट्टी हो जाएगी, आधा काम उस दिन हो जाता है, फिर जड़ी बूटी खा के आओगे, फिर दूसरा ऑनलाइन करा सकते हो या आके करा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। औरतों पे हाजिर कराने की कोशिश करता हूँ, 50-50 चांस होता है, हाजिर होता भी है नहीं भी होता है, आदमियों पे हाजिर कराने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ। हाजिर होगा वीडियो बनाएंगे, जिसको हाजिर नहीं करवाना चाहते हो वो हाजिर करवाने की कोशिश हमसे ना करवाओ, डायरेक्ट भूतों को मरवाओ और धीरे से चले जाओ। तो कहने का मतलब, वीडियो बनाने का मतलब है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई रात को, वहाँ आप लोग भुगते हो, अगर मौत हो जाए, छीनना झपटी हो जाए, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हो गए। नेट पे मेरा लिखा हुआ है 2 दिन, गुरुवार और रविवार 2 दिन, 9 बजे खुला, आप 7 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, मगर रात को यहाँ रुकने का माहौल अच्छा नहीं है। एक भूत मारने का खर्च, विदेशियों के लिए भर्तियन पैसा 2,000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज घर बैठे मरवाने पर, और बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज, जड़ी बूटी की एक खुरक की कीमत विदेशियों के लिए 1,000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज, बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। नोट, इंडिया में आकर कम पैसा में भूतों से मुक्ति पाइए, वा भरत सरकार को लाभ पहुंचेनिए, यहां आने पर ही टोकन मिलेगा और उसी दिन आप आधा इलाज करवा सकते हैं। बाबा जी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मिलते हैं, रविवार और गुरुवार, टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 2 तक।
दो बजे के बाद टोकन ही मिलेगा। वीडियो कॉल से भारत में मरीजों की पुष्टि के लिए पहले 1000 रुपए और विदेशियों में मरीजों के लिए 10000 रुपए एडवांस में जमा करना होगा। और अगर आप विदेश से इलाज करवाते हैं तो ये पैसा आपके इलाज करने के टाइम कम कर दिया जाएगा, और अगर इलाज नहीं करवाते हैं तो ये पैसा डूब जाएगा। इलाज कराने के बाद कोई भी पैसा वापस नहीं होगा। मरीज का इलाज बाबा जी या उनका बेटा, दोनों में कोई भी कर सकता है। इलाज में कोई भी फर्क नहीं होता है। नोट, 100 व्यक्ति में से 95 व्यक्ति को फायदा होता है और 5 को नहीं होता है, जिसके लिए बाबा जी किसी भी व्यक्ति को गारंटी नहीं देते हैं।